उधम सिंह नगर में 10 दिसंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवा सिख सम्मेलन के कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम अपने हेलीकॉप्टर से जैसे ही नीचे उतरे वैसे ही उनके हेलीकॉप्टर के पहिए हेलीपैड पर धंस गए, जिसके बाद वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों में हड़कंप मच गया और आनन फानन में सुरक्षा कर्मियों ने हेलीकॉप्टर को पीछे धकेल कर पहिए बाहर निकाले। आप खुद देख सकते हैं कैसे हेलीकॉप्टर को पीछे की तरफ खींचा जा रहा है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में कल सीएम उत्तराखंड युवा सिख सम्मेलन में हिस्सा लेने हवाई मार्ग से पहुंचे थे, जिनके हेलीकॉप्टर के लैंडिंग के लिए हेलीपैड पुलिस लाइन में बनाया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल होने अपने निर्धारित समय से थोड़ी देरी से पहुंचे। सीएम के पहुंचने के बाद पुलिस ने सलामी दी, जिसके बाद हेलीपैड पर उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। उसके बाद सीएम कार से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। जैसे ही सीएम अपने कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना हुए, उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई हैरान कर देने वाली हैं। जिस हेलीकॉप्टर में सीएम उत्तराखंड सवार होकर आए थे, उस हेलीकॉप्टर के पहिए हेलीपैड में जमीन पर धंस गए। जैसे ही इसकी भनक पायलट को मिली, उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को इसकी सूचना दी और उसके बाद वहां हड़कंप मच गया। सुरक्षा कर्मियों ने एक कार की तरह हेलीकॉप्टर को पीछे से धकेल कर उसके पहिए बाहर निकाले। हालांकि समय रहते पहियों को तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन एक बड़ा हादसा होने से टल गया। ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। उधम सिंह नगर से रमेश चंद्रा की रिपोर्ट।